श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अथ विंशोध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक वाच महिम प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यं वतिष्ठद द्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम छत्ता महाभागवत कृष्णस्य कांतिकः सुरत यस्य यस्तस्या जाग्रजं कृष्णे सापत्य मघवानिति द्वैपायनादन्वरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांशाप्यनुव्रतः किमन्व प्रच्छ मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्ववित्तमम् तयो संवदतो सूत प्रवत्ता यमला कथा आपो गंगा इवा घग्निर्हरे पादाम्बुजाश्रया तान कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदारकर्मण रसज्ञ कोनु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवम् उग्रस्रवा पृष्ठ ऋषिभिर्नेमिषायनः भगवत्या पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति सूत उवाच हरेर्धृतक्रोड़तनुः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिराण्याक्षवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिमाह भारतः। शौनक जी कहते हैं सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सूरत थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर होने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी भी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएँ हुई होंगी जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं, भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रस्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा सुनिए। सूत जी ने कहा मुनिगण अपनी माया से वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुरोवाच प्रजापति पति सृष्टवा प्रजा सर्गे प्रजापतीन किमारभत मे ब्रह्मन बभ्रूय व्यक्त मार्गवित ये मरीच्यादयो विप्रायस्तु स्वायंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतद् भावज्ञन् स्वद्वितीया किमस्रजन स्वतंत्रा उत कर्मसु आहो स्वीत संहता सर्व इदं स्म समकल्पयन्। मैत्रेय उवाच देवेन दुर्विक्तकेण परेशा निमिषेण च जातक्षो भागवतो महानासीद गुणत्रयात् रज प्रधानन् मत महत स्त्रीलिंगो देव चोदितात् जात ससर्ज भूतादिर्वी
दादिनी पञ्चशः तानि चैकेकशस्त्रष्टुं समर्थानि भौतिकं सहात्य देवयोगेन हेममण्डं वासृजम् सोषयिष्टाब्धि सलिले आंडकोशो निरात्मकः सागरं वै वर्षसाहस्रमन्वन् वात्सीतमीश्वरः तस्य नाभेरभूत् पद्मं सहस्राकौरुदीधिति सर्वजीवनिकायो को यत्र स्वयं भूत स्वराट सोनुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन् आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचादि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर या सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है उस जीव के प्रारब्ध प्रकृति के नियंता पुरुष और काल इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजत प्रधान महतत्व से वैकारिक सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 से भी अधिक वर्ष तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भरूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। ससर्ज छायया विद्याम पंचपर्वाणमग्रतः तामिस्त्रमन्दतामिस्त्रं तमो मोहो महात्मः विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयं जग्रहर्युक्षरक्षांसि रात्रिं क्षोत्रटत्सम्भवां श्रुतोभ्यामु मुपस्रष्टास्ते तं जग्धू मभीद्र दुद्रवु मारक्षतेनं जग्थध्व मेत्युचुहु छत्तुडदिर्ता देवस्थाना संविग्नो मां जग्क्षत रक्षत अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ देवता प्रभयायाया दिव्यन प्रमुखतो स्रजत ते आहार्षु देवयन्तो विसृष्टातां प्रभामह देवो देवांघनतः स्रजति स्माति लोलुपान तैनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसन स भगवान सुरैर्निरुपद्रपहे अन्वीयमानस्तत्रसा क्रुद्धो भीतः परापरत स उपव्रज्य वरदम् प्रपन्नार्तिहरं हरिं अनुग्रहाय नाम भक्तानामनुरूपात्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजा ताहि मायभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषां मनासन्न पदां तव। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र अंध तामिस्त्र तम
मोह और महामोह जो पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना हुआ तपोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसी रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्वी की प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोलुभ होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्रीहरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। सोवधार्यास्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शन विमुंचात्मतनुम घोरा मित्युक्तो विमुचः ताम क्वणचरणाम भोजाम मदविवल लोचनाम कांची कलाप विलसदुकूलच्छन्न रोधसम अन्योनश्लेषयो तुंग निरंतर परोपयोधराम सुनासाम सुद्विजाम स्निग्धहासलीलावलोकनाम गुहंतीं व्रीडयात्मानं लीलालकवरूथिनीं उपलभ्यासुराधर्म सर्वे सम्मुमुहु स्त्रियं अहो रूपमहो धैर्य महो अस्या नवं वयः मध्ये काम यमाना नाम कामेव वसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा ताम संध्यां प्रमदाकृतिं अभिसंभाव्य विश्रम्भात्पर्य प्रच्छन कुमेधसः काशिकस्यासि रम्भोरु कोवार्थस्तेऽत्र भामिनि रूपद्रविणपण्येन दुर्भगानो विबाधसे या वा काचित्त्वमवले दिष्टया सदन्दर्शनं तव उसुनोषि क्षमाणानां कन्दुकक्रीडयामनः नैकत्रते जयति शालिनी पद्मपद्मं हन्यतां गणयत्यां मुहुः करतलेन परपङ्क्तगं मध्यं विषीदति बृहस्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिमला सुशिखा समूहः। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यों कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों में पायजेब झनकृत हो रहे थे, उसकी आँखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार से एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है।
इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, भामिनी यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, क्या तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो, अवले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ यह बड़े सौभाग्य की बात है, तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो, सुंदरी जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता, तुम्हारा कठिन प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है, ओहो तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है। इति सायंतनीं संध्याम् असुरा प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जग्रहुर्मत्वा मूढधिय स्त्रियं प्रहस्य भावगंभीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सरसां गणान् विससर्जं तनुतें तनुं तावे ज्योत्स्नां ज्योत्स्नां कांतिमतिं प्रियां तएव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान वीक्ष चामील यददृशो जग्रहुस्तद्विसृष्टां तां जम्भणाख्यां तनु प्रभो निंद्रामिंद्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टां धर्षयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्ज्वस्त्वं ऊर्जस्वत्तम मन्यमान आत्मानम भगवान जह साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेणास्रजत प्रभु त्वात्मसर्गम तम कायम पितरम प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोसृजत तेभ्यो ददात्मात्मानमन्तर्ध्यानाख्यमद्भुतं स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्म्ये नासृजत् प्रभुः मानन्यात्मनात्मान् मात्माभासं विलोकयन् ते तु तज्ज ग्रहूरूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिनां मिथुनी भूय गायन्तस्त मेवोषसी कर्मभिः। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्स्ना चंद्रिका रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निंद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। और फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्धादि के द्वारा पितर और साध्यगणों को क्रमशः कव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का ज्ञान किया करते हैं। देहेन वे भोगवता शयानो बहुचिंतया
सर्गे नूपचिते दु क्रोधादुत्ससर्ज तद्वपु ये हियन्तामुत केशा अहयस्तेंग जगिरे सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकंधरः सात्मानं मन्यमान कृतकृत्य विभात्मभू तदा मनोन ससर जानते मनसा लोक भावनान तेभ्य सोत्य सज्जत सवियं पुरं पुरुषात्मवान तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशसंसु प्रजापतिं अहो ये जगत् सिष्ट सुकृतं बतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रियायस्मिन् साकमन्न मदामहे तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषि नृषि ऋषिकेशः ससर्जा भीमता प्रजा तेभ्यश्चेकैकशः स्वयः देहस्याश मदादजः यत्यत् समाधियोगद्धित पो विद्या विरक्ति मत। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने के से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने मन से मनुओं की सृष्टि की, ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर ऋषि आदि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से उत्पन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदे विंशो अध्याये संपूर्णं। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।